तंत्र एक विद्या है, कोई भी विद्या अगर होती है तो वो अच्छी जगह जाओगे तो वो मिलेगी। हर जगह ये विद्या धरी नहीं पड़ी है कि आप लोग मान लो कि अगर हर एक वीडियो आप YouTube के ऊपर देख रहे हो और उसको सच मान रहे हो तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर एक तीसरा व्यक्ति तंत्र को सीख चुका होता। और तंत्र कोई इतनी सस्ती बात नहीं है, अगर इतना सस्ता होता तो हम YouTube के ऊपर कभी नहीं आते। हम सोचते कि हजारों लोग हैं सिखाने वाले तो सिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिखाने वालों की कमी नहीं है, हम क्यों आए हैं YouTube के ऊपर। इसका कोई कारण है और बहुत बड़ा कारण है। जितनी भी कोशिश हो सकेगी हम वीडियो बनाएंगे, चाहे हमें कितनी भी कोई हमारे चाहे कोई विरुद्ध खड़ा हो जाए। कुछ लोग अगर आने वाले समय में हमें बोलेंगे भी कि गुरुजी ये विद्या जो है हमारी नहीं चलेगी क्योंकि पाखंड बहुत बढ़ गया है, हमारे शिष्य अगर बोलेंगे तो हम तो भी उन्हें भी समझाएंगे और खुद भी लगे रहेंगे, क्योंकि हमारा बहुत सारा बड़ा जिंदगी का हिस्सा लगभग ज़्यादातर जो समय है तंत्र में बीता है। तो आप इसलिए नहीं तंत्र सीखते हो कि आप बस अपने शरीर के पालन पोषण के लिए, आप
लेते हैं कि शायद हम नहीं डरेंगे, लेकिन ये चीज़ें डरा देती हैं। कई बार सालों साल जिन्होंने मेहनत की होती है तंत्र के अंदर, वह भी डर जाते हैं कुछ क्रियाओं में, मन दहल जाता है। अब मरे कम मरे ऐसा स्थिति हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। हम खतरनाक से खतरनाक चीज देने के लिए तैयार हैं। हम अपने साधक को तलवार की धार पर चलना सिखाना चाहते हैं, ताकि कल को कोई ऐसा तांत्रिक, कोई बाहर का कोई बोल ना दे कि हमारा दुर्वासा जी का शिष्य था और इस तरीके से पटक पटक कर मारा है। तो हमने जिसको भी साधना करवाई है वो किसी भी तांत्रिक के हाथों मारा ना जाए, जहाँ कहीं इस चीज को, तंत्र को किसी तांत्रिक से परास्त ना हो सके, इसलिए हम उसको इस धार पर चलाएंगे और आपकी आधी जिंदगी शमशान में ही निकलेगी। क्योंकि शमशान की ऐसी अनगिनत हमारे पास साधनाएं हैं कि अगर पूरी जिंदगी करते रहोगे तो भी खत्म नहीं होगी। अब YouTube पर हम अकेले अकेले क्रिया का क्या बताएं? जैसे कि हम देखते हैं YouTube भरा पड़ा है, उसके ऊपर पता नहीं शमशान की कितनी साधनाएं एक ही जैसी दी हुई हैं। शमशान की साधना निकालो, या तो कोई प्रेत की होती है, या फिर कोई मुंजा की होती है, या मसान की होती है, दो चार चीज़ें और हैं, उसके अलावा कोई भी
का कानून है जो उस शक्ति की जैसी उसको करने की या उसको प्रयोग करने की जैसी उसकी विधि विधान पूर्वक आप कर रहे हो तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वीडियो से जो समझ गया वो समझ गया, हम समझाते रहेंगे, लेकिन इस वीडियो को अगर नहीं ध्यान से सुना है तो एक बार दोबारा सुनना, और इस वीडियो से भी अगर कोई नहीं समझा है तो हमें नहीं लगता कि आने वाली किसी भी वीडियो से वो समझ पाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माँ काली।